1970 की शुरुआत से ही सिक्किम का छोटा सा किंगडम इंडिया और चाइना के बीच चल रहे पावर स्ट्रगल में पिस रहा था। दशकों तक सिक्किम ने अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखा था, बट अब सिक्किम का फ्यूचर काफी धुंधला सा दिख रहा था। द टू आर्मीज आर कन्फ्रंटिंग ईच अदर एंड ऑफ कोर्स शेलिंग हैज बीन गोइंग ऑन क्वाइट सम टाइम इवन बिफोर आई लेफ्ट। Do you really think it's possible that Pakistan would attack India? जहाँ एक तरफ इंडिया और चाइना एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे थे, तब सिक्किम के चोग्याल या किंग पाल्डिन थुंडुप नामग्याल मुश्किल से अपने किंगडम की रक्षा कर रहे थे। पर क्योंकि उन्हें डर था कि किसी दिन इंडिया या चाइना में से कोई उन पर हमला कर देगा, इसलिए उन्हें पता था कि उन्हें एक मुश्किल निर्णय लेना पड़ेगा। चोग्याल ने अपने एक स्पीच में कहा कि उन्हें इंडिया और चाइना के बीच चल रहे पावर स्ट्रगल में प्यादा बनने का कोई शौक नहीं है, पर इतने पावरफुल नेबर्स के अगेंस्ट अपनी सॉवरेनिटी कैसे प्रोटेक्ट की जा सकती है। और जैसे जैसे इंडिया और चाइना के बीच टेंशन्स एस्केलेट होते गए, सिक्किम के लोग भी सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतर गए। ये प्रोटेस्ट किसी भी फॉरेन इंटरवेंशन के खिलाफ थे। लोग तब चाह रहे थे कि वो अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन कर पाएं। इतने प्रेशर और चाइना के खतरे की वजह से सिक्किम ने फाइनली भारत की तरफ हाथ बढ़ाने का फैसला किया एंड भारत ने सिक्किम की सॉवरेनिटी और कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने का वादा किया। मई 1973 में चोग्याल ने इंडिया के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसे सिक्किम इंडिया के प्रोटेक्शन के अंदर आ गया। तब सिक्किम के लिए बेस्ट सॉल्यूशन लग रहा था, क्योंकि इससे सिक्किम इंडिपेंडेंट रह पाता इंडिया के प्रोटेक्शन के साथ। सिक्किम के लोग भी ये सुनकर काफ़ी खुश थे और उन्हें एक रिलीफ मिला कि अब उनकी इंडिपेंडेंस बची रहेगी। पर उन्हें क्या पता था, आने वाले समय में कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जिससे सिक्किम की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल जाएगी। जैसे जैसे साल बीतते गए, वैसे वैसे इंडिया और सिक्किम के बीच थोड़ी फ्रिक्शन भी बढ़ने लगी, क्योंकि अब इंडिया सिक्किम के इंटरनल अफेयर्स में भी काफ़ी कंट्रोल एग्जर्ट करने लगा था। फाइनली 1975 में एक रेफरेंडम कराया गया, जिससे ये फाइनल हो जाए कि सिक्किम हमेशा इंडिया की प्रोटेक्शन के अंडर रहेगा या इंडिया के साथ मिलने का समय आ चुका था। इसके रिजल्ट अधिक रूप से भारत में मिलने के तरफ थे, जिसके बाद अप्रैल 1975 में सिक्किम इंडिया का 22nd स्टेट बन गया। इसके बाद मोस्टली सिक्किम के सारे लोग इंडिया के साथ इंटीग्रेट होकर काफ़ी खुश थे। कुछ लोग ऑफ कोर्स नेगेटिविटी से भरे भी थे, जो सोच रहे थे कि इंडिया अब उनके कल्चर को ख़त्म कर देगा। बट इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स, जहां बहुत ही नेटिव लोग रहते हैं, उनको तक प्रोटेक्शन देती है ताकि उनका कल्चर और लैंग्वेज बना रहे एंड कोई और आके वहां बीमारी ना फैला दे। अब सिक्किम के इंडिया के साथ मिल जाने पर ये एक नया चैप्टर छोटे पर माइटी सिक्किम की हिस्ट्री में जुड़ चुका था। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जय श्री राम।